यदि हम बात करते हैं डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम के बारे में, तो सबसे फर्स्ट कौन सा आता है? टाइडल वॉल्यूम, दैट इज नॉर्मल इनहेल एंड द एक्सहेल, एंड द वॉल्यूम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम इज द 500 ml, राइट? दैट इज दिस इज द 500 ml, एंड टाइडल इज एज ए वेवलाइट. सो दिस इज ए टाइडल वॉल्यूम एज ए वेवलाइट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, राइट? This is about the 500 ml as the abbreviation. So after the normal breathing, we again forcefully inhale, and this volume of the air is the IRV, that is the inspiratory reserve volume, right? That is, after a normal breathing, we inhale extra volume of the air, right? This is the inspiratory reserve volume, IRV, and the volume of the IRV is about the 3000 ml, that is the maximum volume. Maximum value of the IRV is the 3000 ml, that again absent. Now after the inhalations, we exhale, right? But maximum inhalations के बाद अब हम जब exhale कर रहे हैं, ठीक है, तो actual में होता क्या है कि जब हम tidal volume की बात कर रहे हैं, तो normal हमने air को inhale किया, that is a 500 ml, and then हम क्या कर रहे हैं, exhale. लेकिन exhale जब हम कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ air का volume हमारे lungs में रह जाता है. Always remain in the lungs, जो हम कभी भी रिमूव कर नहीं सकते. यदि आप ये सोचो कि हम पुश करें देन वी रिमूव, देन इट्स नेवर बी पॉसिबल, राइट? दिस अमाउंट ऑफ एयर विच ऑलवेज इन द लंग्स एंड दिस वॉल्यूम आर नोन एज द रेडिडोल वॉल्यूम. एंड यदि हम इसके वैल्यू की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वो कितना होता है? अबाउट द 1200 ml, राइट? अब जब हम एक्सेल कर रहे हैं, राइट, तो एक तो हुआ नॉर्मल एक्सहेल, उसके बाद मींस की फोर्सफुली एक्सहेलेशन, एंड दिस फोर्सफुली एक्सहेलेशंस आर नोन एज द एस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट? आफ्टर ए नॉर्मल ब्रीथिंग, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेल, सम अमाउंट ऑफ द एयर आल्सो प्रेजेंट इन आवर लंग्स, देन वी फोर्सफुल एक्सहेल, राइट, टू रिलीज दिस अमाउंट ऑफ द volume of the air from the lungs, and this volume are known as the aspiratory reserve volume. And aspiratory reserve volume की बात करें तो बेटा कब होगी ये? After the normal breathing. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Forcefully exhalations कर रहे हैं, right? तो ये यहाँ पे एक normal value आ जाती है, normal volume आ जाता है. अब यदि हम बात करते हैं lungs capacity की, तो कैपेसिटी मेनली कब होती है? जब हम दो वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर इन आवर लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज, एंड दिस इज द टोटल लंग्स कैपेसिटी, राइट? सो दिस इज द टोटल लंग्स कैपेसिटी, मीन्स की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एयर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज द आईआरवी प्लस में ईआरवी प्लस में रेडिड्यूल वॉल्यूम प्लस में टाइडल वॉल्यूम, राइट? एंड नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी मीन्स की नॉर्मल ब्रीथिंग, दैट इज द इनहेल और एक्सहेल. आफ्टर नॉर्मल इनहेल वी फोर्सफुली इनहेल, देन नॉर्मल एक्सहेल, देन फोर्सफुली एक्सहेल, राइट? अगेन नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल, देन स्टॉप, फोर्सफुली इनहेल, एक्सहेल नॉर्मल, देन फोर्सफुली एक्सहेल, राइट? दिस इज अबाउट द वाइटल कैपेसिटी. देन वाइटल कैपेसिटी मीन्स की आईआरवी प्लस में टाइडल वॉल्यूम, एंड दैट इज द ईआरवी. दिस इज अबाउट द वाइटल कैपेसिटी, राइट? एंड यदि हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो बेटा ये कितना आ जाता है यहाँ पे? 4800 ml एवरेज, राइट? एंड टोटल लंग कैपेसिटी की यदि हम वॉल्यूम की बात करें, दैट इज अबाउट द 6000 ml. सो यदि हम टोटल लंग्स कैपेसिटी के लिए फॉर्मूले की बात करें, तो वो क्या आ जाता है आपका? कंप्लीट वाइटल कैपेसिटी, दैट इज वीसी, प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम,
right? And vital capacity. So vital capacity is the TV plus me IRV plus me ERV, right? Because vital capacity is the normal breathing, then normal inhale, then forcefully inhalations and the forcefully exhalation. That is forcefully exhalations after a maximum inhalations, right? Next is the inspiratory capacity, that is the IC. IC means normal inhalations, right? Then we stop, then a forcefully inhalations. These are known as the inspiratory capacity. तो यदि हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इसके फॉर्मूले की बात करें, तो वो क्या होता है इसका फॉर्मूला? TV, that is the normal inhalations. Then after that, a forcefully inhalation, that is plus में IRV. Right. Last is the first residue.